हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? उम्मीद करता हूं ठीक होगे। क्या आप लोगों ने एन टाइप और पी टाइप सेमीकंडक्टर वाला वीडियो पढ़ा है? अगर नहीं पढ़ा है तो जरूर पढ़ लेना, क्योंकि आज हम लोग एन टाइप और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं उसके अनुप्रयोग के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अनुप्रयोग पढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा याद दिलाता हूं, कहीं भूल गए होगे कि क्या है एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर। याद है ना बर 14 में सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये जो तत्व हैं ये सेमीकंडक्टर हैं। इसकी कंडक्टिविटी होती है बहुत ही लो। अब लोगों ने सोचा कि क्यों ना इसकी कंडक्टिविटी बढ़ाई जाए, और कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या किया गया? बर 13 के जो तत्व है ट्राइवेलेंट एलिमेंट जैसे अल्मोनियम, उसको जा करके मिला देते हैं इसमें बर 14 के तत्व जैसे सिलिकॉन और जर्मेनियम में, और जैसे मिलाते हैं वह बन जाता है पी टाइप का सेमीकंडक्टर। और इससे होता यह है कि पी टाइप के सेमीकंडक्टर की जो चालकता होती है वो बढ़ जाती है। अब यह होता है कि कभी कभी बद जो 15 के तत्व हैं, जैसे फास्फोरस है, आर्सेनिक है, उसको मिला देते हैं बद 14 के तत्व में। तो बद 15 के तत्व है पेंटावैलेंट, बद 14 के सिलिकॉन जर्मेनियम है टेट्रावैलेंट। तो जैसे पेंटावैलेंट एलिमेंट को टेट्रावैलेंट में मिलाते हैं क्या होता है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाते हैं, और फ्री इलेक्ट्रॉन बढ़ते ही उसकी विद्युतीय चालकता बढ़ जाती है, और चालकता बढ़ाना उद्देश्य काम होगा। अब सोच रहे होंगे कि अगर चालकता ही बढ़ाना था तो हमारे पास बेहतरीन चालक हैं जैसे कॉपर है, सिल्वर है, तो भाई ये जरूरत ही क्या है कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में बाहर से शुद्धि डालो फिर चालकता बढ़ाओ, ये सब करने की जरूरत क्या है? तो आज हम आपको बताएंगे कि ये सब करने की जरूरत क्या है, क्योंकि जो काम एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर कर सकता है वो आपका सिल्वर और कॉपर जैसे बहुत बेहतरीन चालक भी नहीं कर सकते। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं कि एन टाइप और पी टाइप के जो अर्धचालक हैं, सेमीकंडक्टर हैं, इसके अनुप्रयोग क्या है, कहां कहां प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश करिए। हमने टॉपिक दे रखा है एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर के एप्लीकेशन अनुप्रयोग। तो पहला जो अनुप्रयोग हम आपको बताने जा रहे हैं वो है डायोड के निर्माण में। इसका मतलब यह हुआ कि एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर से डायोड बनाए जाते हैं। तो सबसे पहला तो जो बात आपके जहन में आ रहा होगा वो ये है कि डायोड है क्या? अरे बहुत सिंपल है, डायोड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर को जोड़ दो, डायोड तैयार। ये मैं लिख देता हूं, डायोड इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ एन टाइप एंड पी टाइप सेमीकंडक्टर। एन टाइप और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर होते हैं उन्हें कॉम्बिनेशन कर दो, उनको जोड़ दो, उनका संयोजन कर दो, और क्या तैयार हो गया? डायोड। फिर मन में सवाल चल रहा है कि इस डायोड की जरूरत ही क्या है, तो आपको बता दें बहुत जरूरी बात, डायोड का उपयोग रेक्टिफायर बनाने में। तो इसका उपयोग क्या है?
प्रोडक्टली हायर बनाने हायर में किया जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि रेक्टिफायर क्या भाई? अरे तो रेक्टिफायर वही डिवाइस है, वही आपको जो कि क्या करता है, एसी करंट को किसमें बदल देता है, डीसी में जो अल्टरनेटिव करंट है उनको डायरेक्ट करंट में बदल देता है। समझ गए? तो आपका जो रेक्टिफायर है क्या करता है, कन्वर्ट द एसी करंट टू डीसी। एसी टू डीसी, तो समझ गए ना कितना जरूरी का चीज है डायोड। और डायोड किससे बनता है, तो एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर से। तो याद रखना एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर का जब कॉम्बिनेशन करते हैं, संयोजन करते हैं, तो डायोड बन जाता है। और डायोड जो है उससे रेक्टिफायर बनते हैं, उसका रूप में उपयोग होता है। और जो रेक्टिफायर होते हैं वो एसी करंट को बदल देता है, किसमें, डीसी में। अब आते हैं दूसरा अनुप्रयोग, जो पॉइंट टू है वो है ट्रांजिस्टर के निर्माण। ट्रांजिस्टर बनाना है। अब आप सोच रहे होंगे ये ट्रांजिस्टर क्या है और इसका उपयोग क्या है। तो आपने सैंडविच खाया है, जरूर खाया होगा, ब्रेड लेंगे, ब्रेड के ऊपर बटर लगा करके फिर उस पर कुछ घास फूस रखेंगे, फिर उसके ऊपर क्या रख देंगे, ब्रेड रख देंगे और एक सैंडविच तैयार हो गया। बिल्कुल सैंडविच जैसे बनाया जाता है, ठीक सेम टू सेम होता है ट्रांजिस्टर। आप इसको ऐसे समझिए कि हमारे पास एक एन टाइप का ये सेमीकंडक्टर है, हमने इसके ऊपर ये रख दिया पी टाइप का सेमीकंडक्टर, अब फिर ऊपर रख दिया क्या चीज, तो एन टाइप का सेमीकंडक्टर। तो ये बीच में हो गया पी, तो जानते हो किस तरह का ट्रांजिस्टर बना, एन पी एन टाइप। क्या हम लोग इसको ऐसे समझ सकते थे कि आपके पास एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर है, बीच में रख दिया आपने एन टाइप का सेमीकंडक्टर, पी रख दिया पी टाइप, ये हो गया पी टाइप, ये भी पी टाइप, बीच में हो गया एन टाइप। ये किस तरह का बना जी बताइए ट्रांजिस्टर, पी एन पी टाइप का ये सेमी हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजिस्टर हो गया वह एन एक प्रकार के जो अर्धचालक है सेमीकंडक्टर का एक लेयर, उसके ऊपर एक दूसरा लेयर, फिर उसके ऊपर पहला लेयर। उदाहरण के तौर पर अगर हम इसे गेंद की सहायता से समझें, तो मान लीजिए कि ये जो है आपको दिख रहा है बॉल, यह एक लेयर हो गया एन टाइप का, बीच में ये पी टाइप और फिर से ऊपर से आ गया ये आपका पी एन टाइप। देखिए एन पी एन इस तरह से बनता है आपका ट्रांजिस्टर। अब है कि ट्रांजिस्टर का उपयोग ही क्या है, तो आपने रेडियो सुना है, आप अपनी मर्जी से वॉल्यूम उसकी बढ़ा लेते हैं, घटा लेते हैं, नेताओं को भाषण देते हुए सुना आपने, लाखों को संबोधित करते हैं, नेता लोग लाखों को संबोधित करते हैं, सोचो उनकी आवाज लाखों तक पहुंचती कैसे है, क्योंकि उनकी साउंड जो होते हैं ना उसकी सिग्नल बढ़ा दिए जाते हैं। सिग्नल कैसे बढ़ाए जाते हैं, तो जो सिग्नल बढ़ाया जाता है उसी में इसका उपयोग होता है ट्रांजिस्टर का, एम्पलीफाई करने में। हम पढ़ा रहे हैं, आवाज थोड़ी कम सुनाई दे रही है, तो वॉल्यूम बढ़ा लेते हो कि नहीं, तो ये ट्रांजिस्टर का कमाल है। तो आप कह सकते हो कि एन पी एन टाइप एंड पी एन पी टाइप के सेमीकंडक्टर
का उपयोग रेडियो एंड ऑडियो सिग्नल्स को पहचानने एवं एम्पलीफाई करने में किया जाता है। मतलब ये हुआ कि जो ट्रांजिस्टर है उसे एन टाइप और पी टाइप सॉरी एन पी एन और पी एन पी टाइप के जो ये ट्रांजिस्टर होते हैं उससे रेडियो सिग्नल हो या ऑडियो सिग्नल हो उसको पता लगाते हैं या उसको एम्पलीफाई करते हैं, उसके सिग्नल्स को बढ़ा देते हैं या जरूरत पड़ता है तो घटा देते हैं। अब आइए सोलर सेल। आपने देखा होगा छतों पे वो बड़ा बड़ा प्लेट लगा होता है, जब बिजली घर में नहीं होती है करंट का जो पावर से कनेक्शन कट जाता है तो धूप में वो क्या करता है, पर सोलर प्लेट जो प्रकाश होता है ना उस प्रकाश को अब्जर्व करता है और उसे बदल देता है किसमें, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिससे आपके घर में आपका बल्ब पंखा या टीवी कूलर जो भी है चलता है। तो आपको समझना होगा जो तीसरा पॉइंट है सोलर सेल के निर्माण में, एक मिनट इसके बारे में कहेंगे, द सोलर सेल इज फोटोडायोड है, इस फोटोडायोड इसका उपयोग कहां होता है, विच इज यूज्ड कन्वर्ट द लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, यूज टू कन्वर्ट लाइट एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सोलर सेल जो है वो सिंपल से काम कर रहा है, जो प्रकाश है उस प्रकाश को बदल देता है विद्युतीय ऊर्जा में, तो प्रकाश ऊर्जा को विद्युतीय ऊर्जा में बदल देता है सोलर सेल। और उस सोलर सेल के निर्माण में भी आपको सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर का उपयोग होता है। अब देखिए आखिरी और उपयोग, गैलियम आर्सेनाइड अर्धचालक होते हैं, तो गैलियम आर्सेनाइड जो अर्धचालक है, यहां लिख देता हूं संक्षेप में, गैलियम जो आर्सेनाइड अर्धचालक है यह अर्धचालक बहुत ही तेज प्रतिसंवेदी होता है, बहुत ही तेज संवेदी होता है। इसका क्या करते हैं उपयोग, तो इसे अनेक प्रकार के सेमीकंडक्टर डिवाइस बनाए जाते हैं, इससे अनेक प्रकार के सेमी डिवाइस बनाए जाते हैं। तो आप
आपने ये देखा कि जो आपका सेमीकंडक्टर एन टाइप और पी टाइप के जो सेमीकंडक्टर हैं, वो बहुत ही ज्यादा उपयोग होते हैं इलेक्ट्रिकल क्षेत्र में। आप इसे डायोड बना रहे हो, आप इसे ट्रांजिस्टर बना रहे हो, सोलर सेल बना रहे हो, सोलर प्लेट बना रहे हो, गैलियम आर्सेनाइड है जिसे और भी डिफरेंट टाइप के चालक डिवाइस बनाने में प्रयोग होता है। इस तरह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसे नोट डाउन करें, आप लिखें, तब तक मैं दूसरी टॉपिक पढ़ाता हूं। तो आइए स्टूडेंट्स, अब हम लोग देखते हैं कंडक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। ट्रांजिशन मेटल नाम तो सुना ही होगा, 11 क्लास में हम लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा था और 12 में इनऑर्गेनिक जो विस्तृत पढ़ना है। ट्रांजिशन मेटल जो होते हैं ना, डी ब्लॉक के थोड़ा संक्षेप में बात करते हैं, बोलाइए फिर आगे बढ़ जाता है अपने टॉपिक की तरफ। जो डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं ना, डी ब्लॉक एलिमेंट्स को भी हम लोग संक्रमण धातु कहते हैं। ट्रांजिशन मेटल्स कहते हैं, लेकिन इसमें तीन ऐसे तत्व हैं Zn, Cd और Hg, इनको छोड़कर डी ब्लॉक के सभी तत्व ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहलाते हैं, एक्सेप्ट Zn, Cd और Hg। इन तीन को छोड़ दीजिए तो जो बच गए तत्व, तो वो सब के सब क्या कहलाते हैं, संक्रमण तत्व कहलाते हैं, ट्रांजिशन मेटल कहलाते हैं, सब संक्रमण धातु है। अब हमें इनकी जो चालकता है उससे संबंधित कुछ बातों को पढ़ना है। तो देखिए इनकी चालकता जो है ना, और चालकता नहीं उनकी ऑक्साइड की चालकता। तो कुछ संक्रमण धातु के ऑक्साइड ऐसे होते हैं जो बिल्कुल धातु की तरह विद्युत के चालक होते हैं, एकदम चालक की तरह व्यवहार करते हैं। और कुछ ऐसे संक्रमण धातु के ऑक्साइड होते हैं जो बिल्कुल इंसुलेटर की तरह कार्य करते हैं। और कुछ तो कुछ ऐसे होते हैं जिसकी जो चालकता है कि वो इंसुलेटर होंगे कि मेटालिक होंगे, ये ताप पर निर्भर करता है। तो इसी तीनों पॉइंट्स को हम लोग यहां पर क्लियर करने की कोशिश करते हैं। याद रखना होगा आपको, टिटेनियम का ऑक्साइड है, क्रोमियम डाइऑक्साइड है, रेनियम ट्राइऑक्साइड है, बिल्कुल मेटालिक होते हैं। तो पॉइंट नंबर एक जो आपको याद रखना है, TiO, CrO2 और ReO3 ये कैसे होते हैं, तो ये बिल्कुल ही मेटालिक होते हैं, धात्विक प्रकृति के होते हैं। दम इनका व्यवहार कैसा है, तो बिल्कुल मेटल की तरह होता है, R मेटालिक। कहने का मतलब है ये धातु की तरह व्यवहार करते हैं। यहीं पर दूसरा है पॉइंट, MnO, FeO, CuO ये ऐसे ऑक्साइड हैं, बिहेव एज इंसुलेटर, बिल्कुल ये प्रतिरोधी की तरह कार्य करते हैं। तो देखिए ये चालक की तरह होते हैं, धात्विक होते हैं, और ये क्या होते हैं, विद्युतरोधी होते हैं। और कुछ तो ऐसे होते हैं जो ताप पर डिपेंड करता है, जो धात्विक होंगे कि कैसे होंगे। तो थर्ड पॉइंट जो है हमारे लिए वो है VO, VO2, VO3 और उसके अलावा TiO3। इनकी चालकता जो होती है वो ताप पर निर्भर करती है, कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। ये या तो इंसुलेटर होते हैं या मेटेलिक होते हैं। तो ये इंसुलेटर हैं कि मेटेलिक हैं, ये किस पर डिपेंड करेगा, तो टेम्परेचर पर।
ताप पर निर्भर करता है। और एक और महत्वपूर्ण पॉइंट, ये जो है ना न्यूट्रल ऑक्साइड, यह देखने में और स्वभाव में बिल्कुल कॉपर जैसा होता है। इसकी चालकता कॉपर जैसी होती है। तथा ये कॉपर जैसा दिखता भी है एवं दिखता है। तो ये हम लोगों का एप्लीकेशन ऑफ एन टाइप और पी टाइप के सेमीकंडक्टर के अलावा एक छोटा सा कुछ पॉइंट है, काफी महत्वपूर्ण है, आप इसे नोट कर लेंगे, कंडक्टिविटी ऑफ ट्रांजिशन मेटल ऑक्साइड। स्टूडेंट्स, इसके बाद अब हम लोग सॉलिड्स के जो चुंबकीय गुण है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है, उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत।